नमस्कार नमस्कार। आज आयुर्वेद के विषय में संवाद करने के लिए हमारे साथ आए हैं आयुर्वेदाचार्य वैद्य श्री नंद कुमार मुळे जी। बहुत प्रश्न सामान्य जन के मन में होते हैं, वैसे मेरे भी मन में है, और मैं कुछ प्रश्न आयुर्वेदाचार्य जी को पूछने जा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न मेरा अभी ये है कि आयुर्वेद हम लोग जैसे बोलते हैं कौन सा भी व्याधि होती है तो असाध्य व्याधि है, साध्य व्याधि है, तो ऐसे आयुर्वेद में उसका वर्गीकरण कैसा किया है? आयुर्वेद चिकित्सक के पास जब भी रुग्ण आते हैं और अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करते हैं, उसके अनुसार वैद्य उसको चिकित्सा देता है। और अभी अपना चरक सुश्रुति जो ग्रंथ है उसके अनुसार भी व्याधियों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया जाता है। एक है साध्य व्याधि, दूसरा है कष्ट साध्य व्याधि और तीसरा है असाध्य व्याधि। साध्य व्याधि बोलेगा तो सुख साध्य, मतलब साध्य मतलब उसको ट्रीटमेंट होने के लिए रुग्ण को और डॉक्टर को और औषधियों को आसानी से ठीक होता है, ठीक किया जाता है, उसको बोलते हैं साध्य। दूसरा होता है कष्ट साध्य, बहुत कष्ट साध्य मतलब बहुत दिन के बाद या तो बहुत जटिल समस्या लेके आते हैं, उनको बहुत सारी चिकित्सा लेने के बाद ठीक होना पड़ता है या तो ठीक होते हैं, उसको बोलते हैं कष्ट साध्य। और एक है असाध्य, असाध्य बोलेगा तो वो कभी ठीक होने वाले ही नहीं, उसके कारण तो अनेक हो सकते हैं। वो जैसे जैसे रुग्ण परिचित हो जाता है उसके सब कारण मालूम होते हैं और उसके अनुसार उसका कारण भी मिलता है। और एक प्रकार है जिसको बोलते हैं याप्य, याप्य बोलेगा तो जब तक ट्रीटमेंट चालू है तब तक ठीक रहते, बाद में वापस उनको आके ट्रीटमेंट लेना पड़ता है क्योंकि उनका शरीर जो है उसको सपोर्ट नहीं करता है। जैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन ट्रीटमेंट गेट वर्कडन फ्रॉम द बॉडी, अपने को ठीक कौन करता है, अपना बॉडी तो करता है, दवाइयाँ तो अपनी जगह पे होती है, दवाइयाँ क्या करती है कि अपने शरीर को ठीक होने के लिए मदद करती है। जैसे कि समझ लीजिए कोई भी बीमारी जो होती है वो अपने शरीर में हो जाती है, उसको कुछ ना कुछ कारण होता है, लेकिन वो जो बीमारी है उसको ठीक करने का काम अपना शरीर करता है। और शरीर सपोर्ट किसका लेता है, शरीर सपोर्ट लेता है अब हम लोग जो खाते हैं वो खाने पीने की चीज़ें, बाद में दूसरा होता है वो अपने उपचार, और तीसरा होता है वो उनकी रहन सहन लाइफस्टाइल, उसके ऊपर शरीर को बल मिलता है कि वो अपनी व्याधि को अपने शरीर से भगाए। तो दवाइयाँ अपने सामने तो है कि ऐसे ऐसे ये बीमारी को ये दवाई है, वो बीमारी को वो दवाई है, लेकिन फिर भी वो जो दवाइयाँ है वो दवाइयाँ अपने शरीर को ही, शरीर से ही काम करवाती है ठीक होने का। तो जैसे आपने अभी जो वर्गीकरण दिया उसमें अगर मान लो कि कष्ट साध्य ये आपके हिसाब से जो है वो पूर्णतः उससे वो जो पेशेंट है वो निरोगी बन सकता है, ऐसे है कि अभी ये जो वर्गीकरण हो गया वो शास्त्रोक्त तो वर्गीकरण हो गया, लेकिन तरतम भाव से इसमें भी फर्क सारे होते हैं कि एकदम एक झटके से अभी मैं एक बात बोलता हूँ कि एक समझने के लिए ये बात एकदम आप समझ लीजिए, क्योंकि आज समझ लीजिए एक डॉक्टर के पास एक मरीज आता है और वो मरीज का ब्लड प्रेशर देखा जाता है, तो डॉक्टर बोलता है कि उसको चक्कर आ रहा है या आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन उस दिन में जो रुग्ण वो चीज़ के लिए आता है वो बोलता है डॉक्टर साहब इसके पहले तो मेरे को चक्कर आ रहा था लेकिन ऐसे कभी ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा था। तो डॉक्टर क्या बोलता है, अच्छा डॉक्टर रहेगा तो वो बोलता है कि देखिए आज तो आपका एक ब्लड प्रेशर दिखा रहा है लेकिन आज के तारीख में आपको ब्लड प्रेशर करके हम बोल नहीं सकते कि कायम का आप ब्लड प्रेशर है, क्योंकि वो आजकल के ज़माने में याप्य माना मान सकते हैं क्योंकि बार बार ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेनी पड़ती है, तो उसको याप्य ही बोलते हैं, लेकिन उसका कारण अपने रहन सहन के ऊपर भी है।
क्योंकि पहले दिन जब भी आता है तभी डॉक्टर, अच्छा डॉक्टर क्या बोलता है, चलिए 2-4 दिन ले लीजिए और आप प्रोटोकॉल में देखते रहिए ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है कितना कम होता है, लेकिन पब्लिक को ये नहीं चाहिए। तो पब्लिक क्या करती है कि एक बार दवाइयाँ दे दो कायम का ले लो, तो उसको यहाँ पे पब्लिक बनाती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोई भी बीमारी को कोई कारण रहता है, जैसे दारू पीने वाला आदमी है, तो दारू पीने वाला आदमी उसको जैसे उसकी उम्र बढ़ती है और दारू तो पीते ही रहता है तो उसको तकलीफें हो जाती है, और तकलीफें होने के बाद उसको जो दवाइयाँ दी जाती है वो जब तक वो दारू नहीं बंद करता तब तक उसको वो दवाइयाँ काम नहीं करती है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि डॉक्टर को ये बताता भी नहीं है कि मैं दारू पीता हूँ, कभी कभी घर वाले दवाइयाँ लेके जाते हैं, तो उसका कारण जब तक नहीं मालूम होता है तब तक वो यहाँ पे ही रहता है, तो उसको बार बार दवाइयाँ लेनी पड़ती है, और बार बार दवाइयाँ लेता है तब तक ठीक रहता है, दवाइयाँ छोड़ दी तो वापस चालू हो जाता है। वैद्य, जैसे आपने अभी बताया था कि असाध्य व्याधि होती है, साध्य व्याधि होती है, व्याप्त होती है, वैसे जैसे आपने वर्गीकरण उनका बताया था, तो उसमें से बहुत बार ऐसे अभी आप जो बात कर रहे थे उससे एक और पता चला कि नींद का बहुत बड़ा महत्व गहरा है, संबंध है। गहरा संबंध है बहुत सारे व्याधि के साथ। तो ये आप पूछेंगे कि आयुर्वेद और ऐसे क्यों पूछ रहे हैं, मगर जैसे बताया तो आपको जो रूट कॉज है वहां तक जाना जरूरी होता बराबर। है, तो आप जरा नींद के बारे में सब अपने जो दर्शक है उनको बता दीजिए कि कैसी नींद होनी चाहिए, कुछ समय से उसके दुष्परिणाम क्या होते हैं और अच्छे परिणाम क्या होते हैं सब। नींद जो है वो इंसान को 6 से 7 घंटे तक अच्छी से नींद रहेगी तो वो कार्यक्षम रहता है, लेकिन बहुत सारी उम्र हो जाने के बाद आफ्टर एज ऑफ 60 नींद का प्रमाण अपने आप कम हो जाता है, किसको 5 घंटा किसको 4 घंटा किसको 3 घंटा, ऐसे भी नींद का प्रमाण जैसे जैसे उम्र बढ़ता है 70-80 ऐसे उसके हिसाब से होता है, लेकिन वो नैसर्गिक है क्योंकि वो लोग बाद में दिन में भी सोते हैं अपने आप सोते हैं, लेकिन जो काम करने वाला जो वर्ग है जैसे कि समझ लीजिए एट द एज अप टू एज ऑफ 60 उनको अगर इतने दिन का नींद होना मुमकिन नहीं है तो उनको 6-7 घंटा अगर नींद है तो उनको सफिशियंट होता है, उनका जो ब्रेन है वो कार्यक्षम रहता है और अच्छा वो काम का इनपुट दे सकते हैं। तो इसके लिए आपको नींद के बारे में सोचना चाहिए। अभी नींद किसको नहीं आती है सबसे पहले बोलेंगे, जो लोग चिंताग्रस्त है तनावग्रस्त है, असमय खाना भोजन बार बार खाना भोजन या तो जंक फूड है ज्यादा खाने में है जैसे कि पाव है पिज्जा है बर्गर है, टाइम पे लंच डिनर नहीं है, इन लोगों को होता है। और दूसरी बात रात को देर से खाना खाने के बाद, अभी इसके ऊपर भी ऐसा है कि हमने जब भी बोला कि दिन पे रात का खाना जल्दी खाओ तो 8 बजे खाना खाते हैं लेकिन दोपहर का खाना 3 बजे खाते हैं, तो उनका जो अंतर है खाने का वो कम होता है, वो खाने का प्रभाव भी हाजमे का प्रभाव भी नींद के ऊपर होता है। और मन के बारे में देखेंगे या तो स्ट्रेस के बारे में देखेंगे तो मन जब भी विचार करते 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 थक जाता है और इंद्रियों से कोई विषय का ग्रहण नहीं होता है उस समय पे नींद जो है वो नींद गहरी आ जाती है, इसको बोलते हैं आयुर्वेद में यदा तू मनसी क्लांति, मन एकदम क्लांत हो जाता है थक जाता है। कर्मात्मानं क्लमान्विता, कर्म आत्मा मन संयुक्त रीत्या वो एकदम थक जाता है। और विषयेभ्यो निवर्तन्ते, हर एक विषय से उसकी निवृत्ति हो जाती है। आत्मा ने और मेंदू से अगर संवेदना भी आई मन को जाने के लिए कि बाबा ये काम कर वो काम कर, तो वो काम करने लायक नहीं रहता है इतना थक जाता है, और वो विषय से निवृत्त हो जाने के बाद अपने आप नींद आ जाती है। लेकिन वो होने के लिए मेंदू का अच्छा होना जरूरी है। अभी आपको मालूम है मैं 22 वर्ष से 2-3 चीजें आपको बोलता हूँ, शादी का खाना खाया या तो बहुत सारा मीठा खाना खाया, आदमी बोलता है चलो सो जाए, क्योंकि हम लोग जो खाते हैं वो हर एक चीज का शुगर बनता है, चाहे आप मिर्ची खाओ चाहे आप गन्ना खाओ हर एक का शुगर होता है, लेकिन क्योंकि शुगर बॉडी का बेस है। अभी समझने के लिए बोलता हूँ कि समझ लीजिए कि कोई आदमी एकदम बेहोश हो गया, तो
तो उसको सबसे पहले क्या चढ़ाते हैं, सलाइन में चढ़ाते हैं, वो ग्लूकोज चढ़ाते हैं, शुगर चढ़ाते हैं, मतलब शुगर जो है वो ब्रेन में इतना पावर लगती है कि उससे वो, लेकिन उसका अतियोग जब भी होता है, उसका अतियोग जब भी होता है, जैसे शादी का खाना वगैरह, तो थक जाता है। ऐसे जब भी खाने का दुष्प्रभाव या तो अतियोग होता है, असमय खाना होता है, वो हजवा नहीं होता है, तभी एकदम मेंदू में अपने ब्रेन में शुगर का प्रमाण ज्यादा होने की वजह से ब्रेन जो है वो सुस्त हो जाता है, और सुस्त हो जाने के बाद कुछ काम करना, जिनको चिंता का स्वभाव है और जिनको काम दिन भर ज्यादा है, उनका वो ब्रेन है वो साथ नहीं देता है और नींद आती नहीं। अभी अगर किसी की नींद पूरी नहीं होती है अभी, तो उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के ऊपर और स्वास्थ्य ऊपर कैसे होते हैं? अभी जिनका नींद सही नहीं होता है उनको मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, बाद में रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हृदय की कमजोरियां, लीवर की कमजोरियां, बाद में संधियों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस और वो सब बीमारियां है, वो कालांतर में वो होने की भी संभावना रहती है। और खाने पीने के या तो अपने पेट के बीमारियां जो है उसमें किसी को पाइल्स होता है, किसी को डायरिया डिसेंट्री भी होता है और एसिडिटी भी होता है। कोई कोई लोग ऐसे भी आजकल में देखे गए हैं कि उनको माइग्रेन हो जाता है, मतलब धूप में जाने के बाद सरदर्द या तो असमय सरदर्द ज्यादा ज्यादा इतना भड़क जाता है कि कोई गोली से भी सरदर्द वो उतरता नहीं। अभी तो इसका मतलब है कि नींद के लिए हर एक व्यक्ति ने उसके खुद के प्रयास करने की जरूरत है। हाँ। मगर अगर किसी व्यक्ति का स्वभाव ही ऐसा हो कि वो चिंताग्रस्त है, चिंता की वजह से नींद नहीं आती है, और जैसे कि आजकल के जमाने में हमारे हाथ में एक शस्त्र है, अगर उपयोग करें तो बहुत अच्छा है, मगर उसका दुरुपयोग भी होता है, वो है हमारा भ्रमण ध्वनि, मोबाइल फोन। और उसमें जो चीजें होती है, और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग रात रात सोते नहीं है, डेढ़ दो तीन बजे तक रात के रहते हैं, तो आप उसके लिए आयुर्वेद में ऐसे कोई दवाइयां है क्या कि जिसकी वजह से नींद आ जाएगी मगर उस दवाई की आदत नहीं पड़ेगी? क्योंकि कुछ बार ऐसा होता है कुछ दवाइयां डॉक्टर देते हैं हमें, मगर वो पहले ही बोलते हैं कि उसका डोज, अभी समझो एक टैबलेट ले रहे हैं, बाद में आपको डेढ़ करने पड़ेंगे, फिर दो लेने पड़ेंगे, तो ऐसे आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में आप थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, सबसे पहले ऐसा है कि मैं तो मानता हूँ ये है कि आयुर्वेद, एलोपैथी या तो कोई भी वैद्य है या तो कोई भी डॉक्टर है तो रुग्ण को समझ के ही दवाइयाँ देता है, लेकिन बहुत सारी गलतियाँ जो है वो पेशेंट को टाइम नहीं है, डॉक्टर को टाइम नहीं है और बार बार फॉलोअप करते नहीं, उसकी वजह से उनका ठीक होना दिन ब दिन कठिन होते जाता है। अभी कैसे मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी शिकायतें बताते, दवाइयाँ लेते और नींद की दवाइयाँ दी जाती हैं उनको, ऐसे आयुर्वेद में भी नींद की दवाइयाँ दे सकते हैं, लेकिन उसको सब्जेक्ट टू ऑल दीज पैरामीटर जो है वो देखने भी होंगे कि वो काम क्या करता है, काम कितने घंटे करता है, मोबाइल पे कितने घंटे रहता है, कंप्यूटर पे कितने घंटे रहता है, उसको है ना, आप समझते हैं मोबाइल है, कंप्यूटर है, सब सुविधाएं हैं, लेकिन आयुर्वेद में एक अच्छी चीज बताई है कि असात्म इंद्रियार्थ संयोग प्रज्ञा पराग और परिणाम, मतलब बीमारी कोई भी हो उसके लिए तीन कारण बताए गए हैं। असात्म इंद्रियार्थ संयोग मतलब असात्म्य, मतलब ऐसे सहजता से कोई भी एसिमिलेट न होने वाला कोई भी कारण इंद्रियों से हो, जैसे कि मेरे को अभी खाना नहीं चाहिए फिर भी मैं खा रहा हूँ, मेरे को अभी काम नहीं करना चाहिए फिर भी मैं कर रहा हूँ, अभी मेरे को कंप्यूटर पे ठीक है, अभी एक घंटा हो गया, दो घंटा हो गया, ठीक है मेरा काम हो गया, आगे का कल करेंगे, ये जब तक नहीं सोचता है, या तो मोबाइल के बारे में ये चलो और करते हैं और करते हैं और करते हैं, डेप्थ में जाते हैं और वो दिन ब दिन उसका टाइम स्लॉट बढ़ते जाता है, तभी वो अतियोग हो जाता है। तो ऐसे ये अतियोग हो गया, कोई कोई लोग जो है इतने परे हो जाते हैं कि वो चीज करते ही नहीं है, मतलब खाना खाते ही नहीं है,
चलो देर हो गई खाना खाने का नहीं, लेकिन कितना दिन मोबाइल पे कुछ करने का ही नहीं है, तो कितना दिन कितना टाइम, तो वो खाली टाइम भी उनको खाने को आ जाता है। तो ये हो गया कि नहीं हो, पहले बताया वो थी हो गया, अभी मिथ्या है वो, कभी आज 4 घंटा 6 घंटा जागरण करके मोबाइल पे रहेंगे, कल उठ के कुछ नहीं करेंगे, ऐसा हो गया तो भी उसकी आदत जो है वो आदत अलग हो जाती है। और ये हो गया असात्मेंद्रियार्थ से योग प्रज्ञापरायण परिणाम। अभी प्रज्ञापरायण जो है ये असात्मेंद्रियार्थ से योग, तो अभी ये सब अति योग ही नहीं, मिथ्या योग सब इसमें आ गए। तो ये हो गया मोबाइल के बारे में, खाने पीने के बारे में यही हीन योग अति योग मिथ्या योग है। काम कोई है कष्ट करना, उसके बारे में भी जरा भी कष्ट न करना, उल्टे पुल्टे कष्ट करना, कभी ज्यादा कभी कम करना, कैपेसिटी के कम ज्यादा करना, और बाद में जरा भी कष्ट न करके ऐसे आराम से रहना, ये भी बीमारी का कारण है। तो ये हो गया कर्म के बारे में। बाद में योग काल जो रहता है अपना, योग कोई भी चीज का, कि एक टाइप का काम या 10 टाइप का काम, जो योग अच्छा है उसका अच्छा योग, हीन योग मिथ्या योग, ये सब जो है वो सम्यक हर एक की कैपेसिटी रहती है। मैं आसान भाषा में बताऊं, हर एक चीज की एक कैपेसिटी होती है। खाना खाए तो कितना खाए, खाना खाए तो कितनी बार खाए, बार बार खाने में कितनी, मैक्सिमम नहीं मिनिमम सफिशिएंट, जिससे कोई तकलीफ ना हो जाए। और प्रज्ञापरायण, प्रज्ञापरायण के बारे में मैं बोलने का आपका रह गया। प्रज्ञापरायण जो है वो धी मतलब बुद्धि, ध्रुति मतलब धारणा शक्ति धैर्य, एक हर एक चीज को सामना करने की क्षमता, और स्मृति जो पहले कुछ हमने काम किया है या तो कुछ सोचा है वो बैक ऑफ द माइंड रहता है, वो उसका कैपेसिटी। ये जो है ये जब भी विभ्रष्ट हो जाते हैं बुद्धि असमय या अलग अलग टाइप से काम करने लगती है, धी बुद्धि, ध्रुति धारणा शक्ति जो है धैर्य है हर एक चीज का सामना करना, वो भी जब भी कम ज्यादा होने लगता है, और स्मृति, स्मृति भी कोई भी चीज जो ध्यान में रखनी है वो नहीं रखनी है, और ध्यान में नहीं रखना है उसको रखना है, ऐसे उल्टा पुल्टा जो है, ये कारण से भी प्रज्ञापरायण हो जाता है। और काल का जो परिणाम तीसरा है, परिणाम जो है जैसे कि वयोवस्था, बाला बाल तरुण वृद्ध वय की अवस्था, बाद में काल की अवस्था है, काल की अवस्था में वर्षा ऋतु है, शीत ऋतु है, गर्मी का ऋतु है, उसके हिसाब से ये जो परिणाम हो जाते हैं वो परिणाम हर एक चीज के लिए, हर एक बीमारी के लिए लागू ही लागू है। और आहार के बारे में बताएंगे तो ऐसे बताया हमने पहले भी, हितु ऋतु के अनुसार आहार होना चाहिए, अपना हितकर आहार होना चाहिए। मतलब एक चरक में ऐसे वाक्य बताया कि यच्च नित्यं प्रयुञ्जितं स्वास्थ्यं येन वर्तते। ये सबका सारांश मैं आपको बताता हूँ। अगर आदमी को बीमार न होना है तो हर एक दिन यच्च नित्यं दर रोज प्रयुञ्जित, प्रयोग ऐसे चीजों का करे खाने पीने में काम में, स्वास्थ्यं येन वर्तते, अपना स्वास्थ्य जगह पे रहे। अभी हर एक का स्वास्थ्य क्या है वो अगर समझना है तो आपको किसी नजदीक वाले वैद्य के पास, डॉक्टर के पास जाके आपको अपनी प्रकृति क्या है, अपना स्वास्थ्य क्या है और मेरा स्वास्थ्य कैसे रहेगा, ये जो मेरी शिकायतें हैं, ये शिकायतें मैं अभी आजकल हो गया है ना, ये बीमारी के साथ ही अपने को जीना है, वैसे वो जो शिकायतें है वो शिकायतों के साथ अपने को अपना जन्म है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे समझ लेना किसी वैद्य के पास जाके अपनी प्रकृति के हिसाब से, ये इसका एक अच्छा मार्ग है। अगर कोई अपने दर्शक जो है वो आपको दूरभाष करेंगे, जो आपका नंबर यहाँ पे दिया गया है, हाँ, तो आप भी बता सकते हैं उसके बारे में। नहीं, फोन के ऊपर तो इतना
ठीक से बता नहीं पाऊंगा, मगर अपॉइंटमेंट लेके आपके पास आ सकते हैं। हाँ, लेकिन अपॉइंटमेंट रहेगा तो वो आदमी हमें वक्त दे सकता है, खुद को वक्त दे सकता है, मैं उसको अच्छे तरह से वक्त दे सकता हूँ, और उसके दिल में और कुछ नहीं रहेगा। नहीं तो बहुत अंश ऐसे होता है कि पब्लिक फोन करते हैं और फोन करते करते बोलते हैं अरे मेरे को काम पे जाना है जल्दी जल्दी, मेरे को अभी 10 बजे काम पे जाना है, डॉक्टर 9:45 बजे फोन को रुका, और हमारा टाइम जो रहता है कभी कभी कि 9:45 से 10:15 हो जाता है, तो उस समय पे वो अच्छे से अपनी ध्यान से बता नहीं सकता है शिकायतें, ऐसे भी होता है। ओके, जो आपका सवाल जो था अभी कि नींद की दवाई आयुर्वेद में है क्या? हाँ, और अगर आदमी को दिया तो उसकी आदत उसको लग जाती है? अभी आदत के बारे में ऐसा है कि अगर आदत लग भी गई तो जो लोग उसका कारण पूछ लेते हैं हमसे और वही कारण सही निकलता है और वो कारण अपना दूर करते हैं, उनको वो चीज़ की आदत लगती है नहीं। और जो लोग वही कारण, अभी फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, कोई दारू पीने वाला आदमी है, रोज दारू पीते रहता है, डॉक्टर ने बोला तो कम करता है, दिन हफ्ते में 7 दिन रहेगा तो 4 दिन करता है, लेकिन वो चालू ही रहता है और दवाइयाँ लेते रहता है, और दवाइयाँ जब तक लेता है तब तक उसको ठीक लगता है। आप क्या बोलेंगे उसको कि उसकी आदत दवाइयों की लग गई, कि उसकी दारू की आदत छुट्टी नहीं? लेकिन अपने को ये सोचना है कि कौन सी चीज़ की आदत सही है और कौन सी चीज़ की आदत गलत है, क्योंकि ये तो शत प्रतिशत है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ अगर अच्छे ढंग से दी जाए और अच्छे ढंग से उसका योजना हो जाए और उसके अनुरूप जो जो भी है वो जीवन शैली का आचरण करे तो उसकी आदत लगती है नहीं। वाइस वर्सा आप अगर पूछेंगे तो आप रोज दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, यही आपका लंच होता है, तो आप बोलेंगे उसकी आदत लग गई। कभी सैंडविच रोज खाने वाला आदमी है, रोज समोसा खाने वाला आदमी है, तो ऐसे नहीं बोलते आप कभी कि आप समोसा की आदत लग गई, सैंडविच की आदत लग गई। तो आपको मालूम है कि ये चीज भी रोज जो खाने लायक नहीं है और कौन सी कभी कभी खाने लायक है, फिर भी उसके आदत के बारे में सोचते नहीं है, और ये जो हानि न करने वाली फायदा देने वाली जो दवाइयाँ है उनको आप कैसा बोलते हैं कि उसकी आदत लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन वो सही आदत है, अगर लगी तो भी सही आदत है। अभी और एक सवाल है इसके हिसाब से कि जैसे नींद का महत्व आपने बताया, मगर ऐसे बोला जाता है कि दोपहर को नहीं सोना चाहिए, जो सोना चाहिए वो सिर्फ रात को ही, मगर हमारे इधर ऐसे बोलते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि दोपहर को खाने के बाद थोड़ी सी नींद, जिसे हम लोग वामक उक्षी बोलते हैं, तो ऐसे भी आवश्यक है, ऐसे भी बोलने वाले हैं। दूसरा सवाल ये उठता है कि कुछ लोग हमारे देश में जो है अपरिहार्यता है, मगर 3 शिफ्ट में या 2 शिफ्ट में काम करने वाले होते हैं, उनकी रोटेटिंग शिफ्ट होती है बहुत जगह पे, अगर हमारे सैन्य दल के लोग बोलेंगे कि हम लोग रात को सोना चाहते हैं तो उनको संभव नहीं, आरक्षी दल मतलब पुलिस वाले हैं उनको भी सोना पॉसिबल नहीं रात को, उनकी रोटेशन ड्यूटी होती है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है तो औद्योगिकरण की वजह से उनको भी ऐसे बार बार बदलती हुई शिफ्ट में रहना पड़ता है, तो वो नींद कैसी पूरी कर सकते हैं, उनके लिए शरीर के ऊपर जो दुष्परिणाम होते हैं उनके लिए आयुर्वेद ने क्या सोचा है, ऐसे 2 सवाल मैं आपको अभी पूछ रहा हूँ। अभी सबसे पहले आपने जो पूछा वो दिन में सोना, दोपहर का भोजन लेने के बाद सोना, ये जो है ये 2 तरह के लोग होते हैं, कि सबसे पहले ऐसे है कि वामक उक्षी भी लेनी है तो 48 खाना खाने के बाद 48 मिनट तक आप कभी भी 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा तक सो सकते हैं, लेकिन वो भी क्यों, कौन सो सकता है, जिसको ज़्यादा बुद्धि का काम है, ज़्यादा स्ट्रेस है। दूसरी बात, ऋतु के अनुसार बोलेंगे तो गर्मी के ऋतु में ज़्यादा दिन बड़े हैं और रात कम है, उस समय पे रात का खाना सोना कम हो जाता है, और उन लोगों को ये वामक उक्षी की ज़रूरत है। अभी शिफ्ट के बारे में बोलेंगे तो रात का जागरण करने वाले लोग हैं तो उसको ऐसे बोला जाता है कि रात का खाना जो है वो, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ, ऐसे तो ग्रंथ में और आयुर्वेद के ज़माने में बोलेंगे तो एक ही समय खाना था और शाम को जो भी खाना है वो सूर्यास्त के पहले ही खाना है, लेकिन फिर भी अगर आदमी 9 बजे के पहले खाना खाता है तो उसके बाद 3 घंटे के बाद सो उसका नींद चालू हो जाएगा, समझ लीजिए उसने 8-8:30 बजे खाना पूरा किया तो 11:30 बजे वो नींद
पे जाता है 11:30 बजे वो नींद में चालू हो जाएगा ऐसे बोलेंगे। तो जो आदमी 3 बजे तक जागरण करता है तो उसका 3 घंटे का जागरण हो गया। तो दिन में अगर सोना है ऐसे लोगों को सोना जरूरी है, तो वो जितना जागरण हुआ है सब्जेक्ट टू दैट 3 आवर्स के बारे में जितना जागरण होता है उसका आधा समय वो सो सकता है। ऐसे 3 घंटे का जागरण है तो 1.5 घंटा ऐसे दिन का वो नींद ले सकता है। ओके, मगर जो हमारे शिफ्ट ड्यूटी करने वाले हैं जैसे आर्मी के जवान हैं, पुलिस वाले हैं या और भी औद्योगिक जो काम करते हैं उनके लिए ये होता है, तो उनके लिए कुछ तो बुरा असर स्वास्थ्य के ऊपर उनके होता ही रहेगा, तो आयुर्वेद ये सब असर निकालने के लिए कुछ दवा दे सकता है क्या? लॉन्ग टर्म के लिए कुछ तो बुरा असर होगा, तो पहले से अगर ऐसे लोगों ने दवा चालू किया तो उसका बुरा असर कम हो जाए, ऐसे कुछ है क्या? देखिए ये जो है ये इंडिविजुअलाइज प्रश्न है। बराबर, मतलब कि सामने जो आदमी रहेगा उसको शिफ्ट ड्यूटीज अगर है, उसकी कुछ शिकायतें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं उसका पूरा प्रकृति परीक्षण करके, उसका कैपेसिटी देख करके, उसको कितने दिन उसने वो सब चीज़ें की हुई है, तो उसके आगे कितने दिन उसको अलग तरह का लाइफस्टाइल सेवन करता है, उसको बोलते हैं हम लोग जीवन शैली का प्रशिक्षण, और उसके हिसाब से प्रकृति स्थापन। हर एक की प्रकृति होती है, जन्मजात जैसे गाड़ी का मॉडल होता है ना, वैसे जन्म से जेनेटिकल स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम लोग आयुर्वेद में वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, ऐसे सब 7 प्रकृतियाँ बोली हुई। तो वो प्रकृति के हिसाब से उसका कैपेसिटी क्या है और उसने कितने दिन तक ये किया है वो सब आजमा के हम लोग बोल सकते हैं कि उसको क्या करे कि वो लाइफस्टाइल जो है उसका डिटॉक्सिफिकेशन, या तो वो लाइफस्टाइल ऐसे ही अगर रखना जरूरी है तो उसके लिए क्या करना है, जरूरी बातें खाने पीने में, रहन सहन में, वो हम बता सकते हैं। ओके, तो जिनको ये सब शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोग हैं, यहाँ पे नंबर दिया गया है वैद्यराज जी का, तो आप प्रत्यक्ष रूप से उनको संपर्क कीजिए। मगर एक सुझाव ऐसा है कि फोन कॉल करने से बदले आप अगर SMS करेंगे तो ये चीज़ बड़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि उनको भी डिस्टर्ब नहीं होगा, वो SMS देख के या आपका WhatsApp देख के आपको बैक कॉल आ सकता है। तो